आपसे एक क्वेश्चन है कि आप एक आर्टिस्ट हो, तो आप अपने इमोशंस जो एक आर्टिस्ट के होते हैं, आप उसे अपने आर्ट में कैसे डाल पाते हो? अरे वाह, आपका सवाल ये है कि इमोशनल आर्ट के अंदर कैसे डाले जा सकते हैं। बल्कि देखिए, आर्टिस्ट बहुत संजीदा होता है, बहुत इमोशनल होता है, है ना। मैं बड़े ज़बरदस्त एक आर्टिस्ट, मैं बच्चों एक साहब है जो मेरे गुरु हैं, उनका नाम है शिव कुमार बटालवी। मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा उनका एक ही इंटरव्यू, है ना। उनका इंटरव्यू देखिएगा आप, उनके बात करने का लहजा देखिएगा, तरीका देखिएगा, लफ्ज़ देखिएगा, आपको लगेगा कि यार ये कितना खूबसूरत है। वो इंटरव्यू आज से 40 साल पुराना है, मगर आप उस इंटरव्यू को देखेंगे, भाई वो 1.5 मिनट का इंटरव्यू आपको तरोताजा कर देगा। तो आर्टिस्ट जो है बहुत संजीदा और बहुत इमोशनल होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट अपने काम को, अपने ख्याल को आर्ट में डालते ही डालता है। अगर वो नहीं डाल रहा है तो वो आर्टिस्ट नहीं है। अब आप पूछे मसलन कैसे, मेरे पास जब गांधी जी बनने आए, बच्चों सुनिएगा, गांधी जी जब मेरे पास बनने आए तो मैंने क्लाइंट से बोला कि मैं गांधी जी को बंदूक की गोली से बनाऊंगा। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला बंदूक की गोली जो है वो हिंसा के लिए जानी जाती है, और गांधी जी अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, और हिंसा ने अहिंसा की जान ली, मगर अहिंसा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो इसलिए मैंने गांधी जी बनाया। एक मेरे क्लाइंट, मेरे क्लाइंट ने बोला कि उन्हें एक घोड़ा बनवाना है, तो मैंने बोला मैं कार के इंजन से बनाऊंगा। उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि कार का इंजन हॉर्स पावर के लिए जाना चाहता है, तो मैंने इसलिए हॉर्स पावर से कार का इंजन। तो आग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जब मैंने बनाए, तो मैंने वो लोहा पुरुष है इसलिए मैंने उन्हें लोहा से बनाया। अलग अलग सामान को मैंने यूनाइटेड किया, क्योंकि उन्होंने इस देश को यूनाइटेड किया, और इस देश में उनकी शेडो नज़र आती है, इसलिए मैंने उनका वो शेडो आर्ट बनाया। तो आप जब भी कोई बनाएं तो फिलोसफिकल एक वजह हो सकती है कि आप क्यों बना रहे हैं। अच्छा, काम दो तरीके से मिलते हैं, आप मेरी बात याद रखिएगा, आप किसी भी फील्ड में जाए, एक होता है आप जो चाहते हैं वो, और एक होता है जो सामने वाला चाहता है। मैं हमेशा वो काम करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं क्लाइंट से पहले ही कहता हूँ कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, आपको मंजूर है? वो बोले मंजूर है, तो फिर मैं काम शुरू करूँ। जी शुक्रिया।